ट्रेड यूनियंस के लीडर के साथ मिलकर सारे मजदूरों को इकट्ठा करके गेट के सामने नारे लगवा दिए। मैंने सारी उम्र तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का पेट पाला, तुम्हें ऐसा कहते हुए मेरा भी शर्म नहीं आई। मैं रंजना हूँ, एक करोड़ी मल की बेटी। जैसे तुम शहर से बीए करके आए हो, वैसे ही मैंने भी शहर में लेबर लॉ का डिप्लोमा किया है। जो काम करता है, दिन रात खटता है, वो सूखी रोटियां खाता है, और जो काम नहीं करता वो मेवे वाली खीर खाता है, आप लोगों की तरह। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसका बदला जरूर लेंगे। शांत 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 हो जाइए। उन्होंने छोटू चाचा और कल्लू चाचा पर हाथ नहीं उठाया, उन लोगों ने मेरे बाबा पर हाथ उठाया है, और अब जो कुछ करना होगा मैं करूंगा। हम सब लोग इकट्ठे होकर ट्रेड यूनियंस के लीडर को साथ में लेकर सारे शहर में जुलूस निकालेंगे, और सब लोगों को साथ में लेते हुए करोड़ी मल की मिल के आगे धरना देंगे। चलो राजा, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। डैडी मान गए हैं, वो तुम सब लोगों से बातें करना चाहते हैं। लेकिन अब हम तुम्हारे डैडी के साथ कोई बात नहीं करना चाहते। तुम्हारे डैडी, तुम्हारे भाई और उनके गुंडों ने मिलकर इन लोगों की जो हालत की है, देखो इन्हें, देखो कितनी बुरी तरह से पीटा है इन लोगों को। इस दलील हरकत की उनसे पानी की तरह बाहर निकाल, किसी का कोई हक नहीं। मैं इनके खून की एक एक बूंद का हिसाब लूंगा, एंड दैट्स माय चैलेंज। मैं ट्रेड यूनियन और इन सारे मजदूरों को साथ लेकर तुम्हारे डैडी की मिल का घेराव करने वाला हूँ। तुम्हारा गुस्सा जायज है राजा, इसमें कोई शक नहीं कि मजदूरों पर हाथ उठाकर उन्होंने गरीबी के मुंह पर तमाचा मारा है, वो गरीबी जिसे हम मिलकर हटाना चाहते हैं, और वो तभी हो सकता है जब हम सब एकजुट हो जाएं। अब रंजना ने अपनी डैडी से बात कर ही ली है, एक बार तुम बात कर तो देखो। पहले अपनी मांगे मनवा लेते हैं, बाद में इस हरकत की माफी भी मंगवा लेंगे। माफी तो उनकी तरफ से मैं मांग लूंगी, ये सब मेरे बुजुर्ग हैं, मुझे इनसे उतनी ही हमदर्दी है जितनी तुम्हें। लेकिन राजा, हमें सिर्फ अपने मकसद में कामयाब होना है, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना। एक बार मेरे कहने से चलकर डैडी से बात कर लो प्लीज। आप मेरे पिता समान हैं। आपकी ये हालत देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है। मैं आपका हक दिलवा कर रहूंगी। राजा, बिटिया का दिल मत तोड़ो। बेटे, अगर ये भगवान बनकर यहाँ हमारी बस्ती में आ गई हैं और हमारी मदद करना चाहती हैं, तो एक बार इनकी बात मान लो। हाँ राजा बेटा, नन्नू भैया ठीक कह रहे हैं। हुजूर, हमने इन्हें काम दिया है, वो काम करने के लिए मशीनें दी हैं और इनके परिवार का पेट भरते हैं, इसका बदला ये हमें दे रहे हैं। और कौन सा मजदूर ऐसा है जो हमने इसमें से पक्का रख लिया हो, सारे दिहाड़ी पर है। और हुजूर, दिहाड़ी का मतलब होता है दिहाड़ी। और कब हमने इनको लिख कर दिया है या इनसे एग्रीमेंट किया है कि हमने इनका या इनके हाथों का ठेका लिया हो। हुजूर, मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ, मगर हमको इतना भी नहीं भूलना चाहिए कि नन्नू आज अपाहिज है, उसे ज्यादा नहीं तो थोड़ा देकर इन सबको शांत कराइए। डैडी, शांत अब इनको मैं करूंगा। आखिर इन लोगों ने हमें समझ क्या रखा है कि ये लोग नारा लगाएंगे और हम इनसे डर जाएंगे। और रही बात दीदी की, उसने शहर से एक लेबर लॉ का डिप्लोमा किया है, इसलिए उसकी लेबर की मदद करना शौक है। लेकिन हम उसके इस शौक के लिए अपना बट्टा नहीं बिठा सकते। क्यों शक्ति, ठीक है ना? ये लोग उस दिन मेरे हाथ से बच गए थे अंकल। आप एक बार कह के तो देखिए, एक एक को घर से निकाल निकाल के मारूंगा, और ये राजा, तो हड्डी भी नजर नहीं आएगी। डैडी, डैडी मैंने इन्हें मना लिया है, ये भी आपसे बात करना चाहते हैं। बुरा मत मानना बेटी, मैंने आप लोगों का नमक खाया है, गुड़ नहीं। यूकी, ये कैसी बात करना चाहते हैं? मुनीम जी,
बेहतर होगा कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ आप अपना मुंह बंद रखें। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, ये सारी आग आपकी ही लगाई हुई है। अच्छा तो तुम ये आग बुझाने आई हो? हाँ, तुम जो इन चंद मुट्ठी भर मजदूरों को लेकर लीडर बनी फिरती हो, क्या ये तुम्हें रोटी देंगे खाने को? अरे निकम्मे अनपढ़ गवार, ये बेचारे तो सारी दुनिया को रोटी देते हैं, इनकी मेहनत मजदूरी करने वाले हाथों में तो दुनिया की नींव टिकी हुई है। अगर ये ना हो तो तुम्हारे नीचे की कुर्सी कब की सरक जाए। हा? जिनकी वजह से तुम हो तुम उन्हें ही मिटाना चाहते हो। डैडी डैडी ये लोग कोई भिखारी नहीं है, ये लोग मजदूर हैं, ये लोग मेहनत करते हैं और इनकी मेहनत का फल इन्हें मिलना ही चाहिए। डैडी आपकी मिल में काम करते करते अगर कोई हर्जा मर्जा हो जाए तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? डैडी उसके जिम्मेदार होंगे आप, क्योंकि ये मिल आपकी है। नन्नू जी का हाथ कट गया, आपने उनके बारे में कुछ सोचा? घर जाकर उनकी हालत देखी कि वो लोग किस तरह से अपने दिन काट रहे हैं? आपको इन सबकी क्या चिंता, वो लोग आपके लगते ही कौन है? डैडी मैं अब आपसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहती, बेहतर ये होगा इस मामले को हम आराम से निपटा लें। तुम्हारा इस तरह इन लोगों की चिंता करना मुझे चिंता में डाल रहा है बेटी। तुम अपनी चिंता करो, अपने भविष्य के बारे में सोचो, इनके बारे में क्या करना क्या नहीं करना मैं ठंडे दिमाग से सोचूंगा। ठंडा दिमाग? वेरी गुड डैडी, कौन से ठंडे दिमाग की बात कर रहे हैं आप? इनके चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं, इनके पेट में आग जल रही है और आप ठंडे दिमाग की बात कर रहे हैं? अरे भूखे की भूख में अट्टाहस नहीं बल्कि उनका पेट भरना सीखिए। डैडी आप इनके मालिक हैं, आप इनके अन्नदाता हैं। डैडी आप इनसे हमदर्दी के दो लफ्ज बोलेंगे ना तो इन बेचारों का आधा दुख तो वैसे ही दूर हो जाएगा। डैडी आप मेरा विश्वास कीजिए, ये लोग बहुत भोले हैं, बहुत भोले हैं ये लोग। भोली तो मैं भी तुम्हें समझता था बेटी, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम गैरों के साथ मिलकर अपने ही घर में अपने ही बाप को चुनौती दोगी। अब कसर रह गई कोर्ट की, वो भी तुम पूरी कर लो। और याद रखना इन भूखमरों की वकालत करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। जिनके अपने बच्चे सड़कों पर कीड़े मकड़ों की तरह घूमते हैं वो तुम्हें फीस कहां से देंगे? हाँ सनी तुम कौन से खून की पैदाइश हो मेरी समझ में नहीं आया। जो कुछ भी हो तुम रन्ना जी के भाई नहीं हो सकते। मैं तो मैं छोड़ूंगा नहीं कमीने। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं राजा सेठ को कुछ ऊंचा नीचा ना बोल दे। अभी समझ ही कितनी है उसकी, होश संभालते ही जिम्मेवारियां आ पड़ी उस बेचारे पर। भैया का गुस्सा भी तो ऐसा ही है। हाँ बचपन से बहुत जिद्दी है वो, एक बार जो चीज मांग लेता था बस लेकर ही रहता था। ये लो आ गया राजा को। क्या हुआ बेटे, बड़ी देर कर दी तुमने, सेठ जी मान गए ना? नहीं बाबा, सेठ जी इतनी जल्दी मानने वाले हैं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। सेठ जी की बेटी तो कहती थी कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं, फिर क्यों नहीं माने? जरूर मुनीम जी ने बीच में गड़बड़ की होगी। नहीं बाबा, मुनीम का मुंह तो रंजना ने जाते ही बंद कर दिया था। ये सेठ और उसका बेटा सनी कम नहीं है, सनी तो मुझे मारने के लिए आगे आ गया था बाबा। फिर क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, रंजना ने बीच में आके बचाव कर दिया। अब मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगी, तुझे कुछ हो गया तो मैं मेहनत मजदूरी कर लूंगी, तेरी बहन। माँ फिजूल की बातें मत करो, बैठो यहाँ पर। मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मुझे, और फिर मैं अकेला थोड़ी ना हूँ, रंजना मेरे साथ है, गीता मेरे साथ है और बिल के सारे मजदूर मेरे साथ है। माँ आ कुछ भी हो जाए अपना हक तो मैं लेकर चाहे इसके लिए मुझे कोर्ट का दरवाजा ही क्यों ना खटखटाना पड़े। बेटे बहुत देर हो गई है, तू थोड़ा खाना खा ले। कृष्णा थोड़ा खाना निकाल देना, बिजू चाचा के घर पे खाना निकाला आज। बिजू के यार खाना नहीं बना क्यों? अभी आप आगे आगे देखते जाइए बाबा,
आज तो बिरजू चाचा के घर पे खाना नहीं बनेगा, कल को कल्लू चाचा के घर पे खाना नहीं बनेगा, परसों छोटू चाचा के घर पे खाना नहीं बनेगा। तो हो सकता है कि एक दिन हमारे घर पे खाना ना बने। ऐसे करते करते एक दिन बस्ती के किसी भी मजदूर के घर में खाना नहीं बनेगा। इससे पहले कि ऐसा हो, मैं सेठ के हाथ में हाथ डालकर अपना हक छीन लूंगा। आइए। हे भगवान, इस बच्चे की रक्षा करें। मदद, मदद तो इंसान खुद अपनी करता है। भला मैं कौन होती हूँ किसी की मदद करने वाली। रंजना, अगर तुम्हारे हौसले बुलंद हैं और तुम्हें मंजिल को पाने की चाह है, तो तुम्हें अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। अब राजा को ही देख लो ना, शुरू में किसने उसकी मदद की थी वो तो तुम लोगों को जानता भी नहीं था, मगर उसने अपनी मेहनत के बल पर और अपनी लियाकत से तुम सबको अपना बना लिया। आज तुम सब उसके साथ हो, मैं उसके साथ हूँ, सारे बस्ती वाले उसके साथ हैं, और कल कल सारा शहर उसके साथ होगा। फिर एक सेठ करोड़ी मल तो क्या, दुनिया का कोई भी सेठ मजदूरों के हकों से खिलवाड़ नहीं कर सकेगा। ग्रेट, यू आर रियली ग्रेट आंटी। आपकी बातों से मुझे इतना बल, इतना हौसला मिला है कि अब मुझे लगता है कि हम शर्तिया ये केस जीतेंगे। जीत तो राजा की होगी, उसकी बातें, उसके विचार, उसकी साक्षरता एक नई सुफूर्ति लिए हुए हैं। दिलेरिया और हौसले की चमक उसकी आंखों में, जिसे कोई भी अन्याय धूमिल नहीं कर सकता। दिल है बस्ती वालों का, उसके दिल में बस्ती वाले। बस्ती वालों में मेरी जान है, मैं उनके लिए जीऊंगा और उनके लिए मरूंगा। शाबाश राजा बेटे, शाबाश। आओ बैठो। थैंक यू। मैंने तुम्हारे केस की सारी कार्रवाई शुरू कर दी है, तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। रंजना ने लेबर लॉ का डिप्लोमा किया हुआ है, वो लेबर एक्ट की सारी बारीकियां अच्छी तरह जानती है। अब रंजना अपने हिसाब से केस तैयार करेगी और मैं और गीता उसका साथ देंगे। बस तुम तब तक अपने घर वालों का और मजदूरों का हौसला बुलंद रखो। एक दिन सेठ करोड़ी मल तुम्हारे आगे घुटने जरूर टेकेगा। थैंक यू आंटी, थैंक यू वेरी मच। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरी मदद करेंगी। गीता जी, अंजना जी, इन्होंने तो उम्मीद से बढ़कर मेरी मदद की है, मेरा साथ दिया है। अगर अगर आप लोग नहीं होते तो मैं बहुत अकेला होता। अकेला वो होता है जिसके विचार शुद्ध नहीं होते। यदि एक के विचार दूसरे के विचारों से मेल खा जाएं, तो वो एक से दो, दो से चार और चार से 400 हो जाता है। ये केस सॉल्व होते ही हम अपना साक्षरता अभियान शुरू कर देंगे। गीता और मेरे विचार तो आपस में मिलते ही हैं। पता नहीं भगवान कौन से जन्म का फल दे रहा है मुझे, जो आप जैसी पवित्र आत्माओं का साथ मिला है। मैं बहुत खुश नसीब हूं। बस आप लोग दुआएं कीजिए, मैं आप लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरूं। अच्छा, इजाजत दीजिए, चलता हूं। अभी बस्ती में जाके बच्चों को खाना खिलाना है, कहीं उन्हें खाया होगा कहीं उन्हें नहीं। चलता हूं। नमस्ते। नमस्ते। बातों से लगता है कि बस्ती में खाने पीने का अभाव हो चला है। हमें इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। लीजिए लीजिए, आजा बेटी, आजा आजा आजा। लग दे लग दे। अपने माँ की मरने के बाद यही मेरी देखभाल करती है। अरे छोटे सरकार, मैंने आपका नमक खाया, गुड़ नहीं खाया है। और फरमाइए हुजूर, क्या मंगाऊं आपके लिए? अरे इसे अपना ही घर समझिए, मेरा नहीं। अरे मुनीम जी, आज आपने हमारी सेवा करके हमें खुश कर दिया है। बताओ आपको क्या उपहार दें हम? अरे हुजूर, उपहार तो आपने इन चंद सालों में मुझे इतने दिए हैं कि बड़े सेठ जी 30 साल में भी नहीं दे पाए।
अजी वो तो नाम के सेठ हैं, असली अंदाजा तो आप हैं हुजूर। रहने दो मुनीम जी, रहने दो। अब मुझे चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ। अगर मैंने आपको 10 दिए हैं तो 100 लिए भी हैं, क्योंकि अब मैं डैडी से तो कुछ मांग नहीं सकता, और मिलके करता धरता है आप। करता धरता तो वही बन सकता है सनी, तेरी मेहरबानी हो जाए। और रही बात अंकल को बेवकूफ बनाने की, तो उसके लिए तो अपने मुनीम जी काफी हैं। क्यों मुनीम जी, छोटे सरकार सच मानिए, सेठ जी के साथ साथ मैं तमाम मजदूरों को बेवकूफ बनाता आया हूँ। ऐसी वैसी वारदातें तो मिल में मजदूरों के साथ होती ही रहती है, मगर ये नन्नू जैसी आज तक नहीं हुई। अब ये देखिए कि हाथ के साथ साथ पूरी बाजू कट गई, और वो हमारा कुछ नहीं कर पाया, और भैया कर भी नहीं सकता जब तक मैं इस मिल का करता धरता हूँ। बाबूजी, आप करता धरता तो तभी तक है ना जब तक मिल चालू है, लेकिन आजकल तो मिल बंद है, फिर आप कहे की करता धरता। और मैंने सुना है बाबूजी कि जब तक राजा नहीं चाहेगा मिल चालू नहीं होगा। राजा राजा राजा, मैं खून कर दूंगा इस राजा के बच्चे का खून। अरे मैंने क्या जूडो कराटे इस दिन के लिए सीखा है? दो खून कर चुका हूँ, दो, और ये तीसरा राजा खाऊंगा। फिर तुझे कोई परेशानी नहीं सनी, खून खराबे की बात मत करो, मिल बन पड़ी है इसलिए तुम लोग मेरे घर में बैठकर मौज मस्ती कर रहे हो। अरे मैंने सुना है कि राजा हमारी बेटी रंजना और इस इलाके की जिलाधीश मोनिका मोता की बेटी गीता के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रच रहा है, और मैंने यह भी सुना है कि वो लेबर कोर्ट के भी चक्कर लगा रहा है। अगर अगर मुनीम जी ऐसा हुआ ना, अगर ऐसा हुआ तो मैं सबको मार दूंगा, सबको। अरे छोटे सरकार, ये वक्त जोश का नहीं होश का है। मैं ये कह रहा था कि अगर कोर्ट से कोई कार्रवाई हो गई तो हम सब लोग घसीटे जाएंगे। तुम कहना क्या चाहते हो मुनीम? अरे तुम्हारे समझ नहीं आई सकी बाबू। छोटे सरकार, मैंने आपका नमक खाया गो नहीं, अगर उनकी पहुंच और राजा की पढ़ाई लिखाई रंग ले आई तो हमें राजा के बाप के हाथ का पूरा 1,00,000 का मुआवजा देना होगा। 1,00,000 रुपए मुआवजा? हाँ हाँ, 1,00,000 रुपए का मुआवजा। नन्नू के हाथ का 1,00,000 रुपया मुआवजा नगद नन्नू को देना होगा, और तो और उसके बेटे राजा को नौकरी भी देनी होगी। ये कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, अगर हमने कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना तो हमारी मिल बंद हो जाएगी। जब मिल बंद हो जाएगी तो कमाई नहीं होगी, जब कमाई नहीं होगी तो तुम्हारा ये बाप 1 करोड़ी मल दर दर की ठोकरें खाएगा। इन सब की वजह मेरी अपनी बेटी रंजना। अब तो खुश होना सब लोग, खुश होना तुम लोग भी। बाबा खुश है ना आप? हाँ बेटा, हमसे जो काम सारी उम्र नहीं हो पाया वो तुमने इतनी जल्दी करके दिखा दिया। हम तो ठहरे अनपढ़ गंवार, मगर ये तुम्हारी हिम्मत है जो इतनी भाग दौड़ करके और ये सारा इंतजाम करवा दिए। सेठ जी तो हमें फूटी कौड़ी भी नहीं देते। अरे नन्नू को 1,00,000 रुपया मिल जाएगा बेटा, कहीं सेठ मुकर तो नहीं जाएगा? आज तक तो उसने किसी को कुछ दिया नहीं है, फिर 1,00,000 रुपया तो बहुत ज्यादा होता है। चाची कमाल की बात करती हो तुम भी, ये पैसे तो सेठ को देने ही पड़ेंगे। चाची ये सरकार के फैसले हैं,
और सरकारी फैसले बहुत सख्त होते हैं, बहुत ही सख्त। बाबा का 1 लाख रुपया तो उसे हाथ जोड़ कर देना पड़ेगा, और दूसरे मजदूरों का भी आज तक का जितना भी बकाया है वो भी उसे लौटाना पड़ेगा, और तो और जितने दिन तक मिल बंद रही उसका भी भुगतान करना पड़ेगा सेठ को। और एक बात मैं आप सबको और बता दूं कि सेठ की नौकरी मैंने सिर्फ इसलिए कबूल की है ताकि मैं आप लोगों के साथ मिल में रह सकूं, ताकि वो सेठ फिर से कोई हरकत ना कर सके। ये तो सब राजा की पढ़ाई लिखाई का कमाल है। कृष्णा की माँ और नन्नू भैया इसे शहर पढ़ने लिखने के लिए ना भेजते और ये पढ़ लिख कर बड़े बड़े अफसरों के साथ ना मिलता जुलता तो हमें हमारे हक कैसे मिलते। चाची, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। अगर रंजना जी, गीता जी और ये सारे मजदूर मेरे साथ ना होते तो ये सब नहीं हो सकता था। ये लो, रंजना बिटिया आ गई। नमस्कार बेटिया, नमस्कार। नमस्कार। जीती रहा बेटी, जीती रहा। राम जी तुम्हें बनाए रखे। मैं आप सब लोगों को बधाई देने आई हूँ। आप लोगों की जितनी भी मांगे हैं, जो भी मांगे हैं, सारी की सारी मान ली गई है। आज के बाद आपके साथ कोई बेइंसाफी नहीं होगी। एक बात और जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आपकी जितनी भी परेशानी है उसका सिर्फ एक कारण है और वो है अनपढ़ता, यानी कि आप लोगों का पढ़ा लिखा ना होना। लेकिन घबराइए नहीं, आज से आप लोगों को पढ़ाने और लिखाने का जिम्मा है मेरा। एक बात और, आप दिन में मिल में काम करेंगे और रात को पढ़ाई लिखाई करेंगे। ये मेरी सहेली गीता है। नमस्ते बेटिया। जिसका NGO है, यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गैर सरकारी संस्था। ये साक्षरता के लिए काम करती है और अब मैं और राजा मिलकर इनके साथ प्रौढ़ शिक्षा का कार्य शुरू करेंगे। रंजना जी, सारी बस्ती वाले आपके बहुत आभारी रहेंगे। देखिए इनके चेहरों की तरफ कैसे खुशी की लहर दौड़ गई है, कितना उत्साह है इन सब में, अभी जबकि किसी को 1 रुपया नहीं मिला है मिल से। जब ये पेट भर के खाना खाने लगेंगे तो मिल में काम भी दुगना हो जाएगा। बस यही बात मैं सेठ जी को समझाना चाहता हूँ, और जब हम इन्हें पढ़ाने लगेंगे तो ये भी अपने बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई पर। तुम्हारा सोचना बिल्कुल ठीक है राजा, जब तक माँ बाप ही पढ़े लिखे नहीं होंगे तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, और यही हमारे देश की मांग है। फिर तो मैं भी पढ़ लिख जाऊंगा। मुझे भी पढ़ाओगी ना बिटिया? हाँ चाची, इसीलिए तो ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं भी पढ़ूंगी और मेरी बेटी कृष्णा भी। क्यों कृष्णा? हाँ हाँ माँ, आप सब लोग पढ़ेंगे तो मैं क्यों नहीं पढ़ूंगी। हम सबको पढ़ाएंगे, किसी को भी अनपढ़ नहीं रहने देंगे। कल से मिल चालू हो जाएगी और छुट्टी के बाद आप सब लोग यहाँ इकट्ठा होकर पढ़ेंगे। और हम सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। चलो हम 1 लाख रुपया दे भी देते हैं, अगर उन लोगों ने कोई दोबारा डिमांड करी तो हम क्या करेंगे, वो अब सब एक हो चुके हैं। डैडी, हम 1 पैसा भी देंगे नन्नू को, आखिर हम भी देखें वो कर क्या सकता है हमारा। एक एक को अगर घर में घुस के ना मारा तो मेरा नाम शक्ति नहीं अंकल। बकवास मत करो, तुम्हारे इन बदतमीजियों की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर तुम लोगों ने उस दिन मजदूरों के साथ मारपीट नहीं की होती तो आज ये बवाल खड़ा ना होता। देखो शक्ति, अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बचपन के दोस्त हजारीलाल के बेटे हो और सनी के दोस्त। एक बात बता दूं आपको डैडी, उनको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। मुनीम जी, आप कोई ऐसा रास्ता निकालिए जिससे मिलकर काम भी बनना हो और हमें उन्हें पैसे भी ना देने पड़े। छोटे सरकार, आपका नमक खाया जो नहीं, अभी मामला गरम है और कोर्ट कचहरी का चक्कर है, नन्ना बिटिया भी उसके साथ है। कुछ ये देख के मामला ठंडा हो जाने दीजिए, फिर जैसा आप कहेंगे वैसा कर लेंगे। मगर हाँ, नन्ना बिटिया को उस राजा से और गांव वालों से मिलना जुलना बंद करवाना होगा। राजा भी कल से नौकरी पर आ रहा है, यह फैसला हमारे हाथ में बिल्कुल ठीक हुआ है। राजा को नौकरी पर रखना पड़ा, इसी बहाने वो मजदूरों के साथ सरकपाई करेगा और रंजना के साथ उसका मिलना जुलना बंद हो जाएगा। खबरदार, अगर तुम में से किसी ने उसको कुछ कहा तो, नहीं तो वो मजदूरों को फिर भड़का देगा। उसे सिर्फ मैं हैंडल करूंगा।
मजदूरों को भड़काना तो क्या, वो उनसे दुगना काम करवा लेगा। पढ़ा लिखा है, सुपरविजर अच्छी तरह से करेगा। सुपरवाइजर तो उसे मैं बनाऊंगा डैडी। खाली एक बार मिलकर काम शुरू होने दीजिए, फिर आप देखिएगा ये आपका अनपढ़ बेटा उस पढ़े लिखे राजा को कैसे अपनी उंगलियों पर नचाता है। बकवास मत करो और जाओ पावर हाउस जाकर शर्मा जी के साथ पूरा हिसाब क्लियर करो, जैसे मैं तुम्हें कल बताया था। मुनीम जी। जी हुजूर। अब आप भी कल से अपने तौर तरीके बदलिए, सबका पैसों का हिसाब किताब और मजदूरों का हिसाब किताब ठीक ढंग से बना लीजिएगा। दो चार दिन में सबका भुगतान भी शुरू कर दीजिएगा। थोड़े चौकन्ने रहिएगा, किसी भी वक्त इंक्वायरी हो सकती है। वैसे नन्नू को मुआवजा देने के लिए हमें थोड़ा वक्त तो मिल ही गया है, तब तक हम कोई ना कोई विचार कर ही लेंगे। विचार क्या करना हुजूर, विचार तो मैंने कर लिया है। अरे ऐसी स्कीम बनाऊंगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। सेठ जी आपका नमक खाया है गुड़ नहीं।